हेलो गाइस, स्वागत है आपका आकाश टूएम में। आज हम बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। आप सब लोग कमेंट कर रहे थे इसके बारे में, पर्टिकुलर वीडियो बनाओ, मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी, कुछ बताओ इसके बारे में। तो हम आज बताने वाले हैं आपको पिछले साल कब मेरिट लिस्ट आई थी और इस साल कब मेरिट लिस्ट आएगी। तो हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं, तो वीडियो कंप्लीट एंड तक देखते रहिए। और आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर करने वाले हैं कि कितने मार्क्स पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कितना मेरिट लिस्ट स्टैंड करेगा इस साल, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट एंड तक देखते रहिए और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं बताना चाहता हूँ एनएसपी स्कॉलरशिप की जो मेरिट लिस्ट है वो अभी हाल ही में अगर मैं देखता हूँ तो हाल ही में जो इसकी मेरिट लिस्ट है अभी जो इसकी आई है वो 2020-21 की है। कितने की है? 2020-21 की। जी हाँ ठीक है, 2020-21 की यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, अकेडमिक ईयर 2020 आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, 2020-21 की आई है हाल ही में स्कॉलरशिप। अब 2021-22 की मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। 2021-22 की मेरिट लिस्ट तब निकलती है जब आपका जो कोर्स होता है, जैसे आपने अभी किसी बीएससी में भाग लिया है या कोई बीए कर रहे हो, कोई बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, जब आपने कोर्स की फीस भरी थी सितंबर अक्टूबर में, पैसे भरे थे, ठीक है, उस दिन के बाद से और आज जब आप कोर्स ख़त्म हो जाता है, हाल ही में मान के चले कि फरवरी मार्च में तो आपका कोर्स ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है, सरकार तभी आपको पैसा देती है जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं पैसा दे देगी आपको दिसंबर जनवरी फरवरी पैसा देगी, नहीं, ठीक है, तभी कोर्स होता है अनुमानित हिसाब से मार्च में आपको पैसा लगभग मिलना स्टार्ट हो ही जाता है, ठीक है, मार्च में लगभग सबको पैसा मिल ही जाता है, ये गारंटी होती है, ठीक है। अब ये है कि आपको जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी, तो मेरिट लिस्ट का जो फंडा है वो आपका फरवरी के मिड में आएगा। फरवरी के मिड में आपके मेरिट लिस्ट आने के पूरे पूरे आसार लगते हैं, क्योंकि फरवरी में जो बंदे हैं जिन्होंने फ्रेश अप्लाई किया है उन्हीं की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका 5-6 स्टेज से गुजरता है। पहला है इंस्टीट्यूट वेरीफाई, दूसरा डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई, तीसरा आपका जो होगा बैंक वेरीडेट होगा, चौथा आधार वेरीफाइड जो हैंड टू हैंड हो ही जाता है, पाँचवा एनएसपी स्कॉर मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड यस या नो, वो पाँचवा मेन चीज़ होता है। जबकि रिन्यूअल के बंदों में ऐसा कुछ भी नहीं है, रिन्यूअल बंदों में सिर्फ 4 स्टेज होती है, इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट, आधार और एनएसपी पीएफ में सेंड, ठीक है, ये 4-5 स्टेज होती है और कुछ नहीं होता है। तो आपको चिंता नहीं करना है। फ्रेश वालों का तो क्या है कि अगर जो स्कॉलरशिप उन्होंने अपनी हाल ही में अप्लाई किया है, इस साल अप्लाई किया है, फ्रेश भरा है, तो उनकी जो मेरिट लिस्ट है फरवरी के मिड तक आ जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा किन बंदों का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के पूरे पूरे आसार है। देखो इस साल जो मेरिट लिस्ट है काफ़ी मेरे को ऊंची लग रही है, क्योंकि लग रही है क्योंकि इस बार प्रमोट हुए हैं छात्र, क्योंकि इस बार 12th के आपने छात्र देखे हैं, उन्होंने प्रमोट किया गया है उनको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है क्योंकि काफ़ी बंदों को अच्छे अच्छे परसेंटेज आए हैं, किसी की 92, किसी की 95, बिना एग्जाम के पास हुए, ठीक है। तो आपका जो इस बार मेरे को लगता है जो कट ऑफ है मेरिट लिस्ट का वो हाई जाने वाला है। मैं आपको एक अनुमान बताता हूँ, जनरल की अगर आपका जनरल में अगर आप आते हैं, अगर आपका 85 या 82 मान चलिए 82 मानी चलिए 82 प्लस है आपके 82 प्लस है आपके जनरल में, तब आप 95% मान के चलिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं। इसके कम आते हैं तो स्कॉलरशिप में थोड़ा अमाउंट कम हो सकता है, क्योंकि लास्ट में जितना रहोगे ना आप पीछे उसमें स्कॉलरशिप अमाउंट कम होता जाएगा, 10,000 मिलती है फिक्स है, उसमें कम होता जाएगा, किसी को 8 मिल गई, किसी को 5 मिल गई, किसी को 6 मिल गई, किसी को 3 मिल गई, ऐसी मिलती रहेगी, ठीक है। लास्ट तक मान के चलो कि 82-85 अगर आ जाते हैं आपके तो आप बच जाओगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, सिलेक्शन कोई दिक्कत वाली, आपको पैसा मिल जाएगा। चेक कैसे करते हैं मैंने पूरा आपको बता ही चुका हूँ, अभी 2020-21 का आया है, अगर आपको चेक करना नहीं आता कैसे चेक करेंगे तो मैं इसका पर्टिकुलर वीडियो बना रखा हूँ, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा। तो आई बात आपको समझ में कि फरवरी के मिड तक आपको इंतजार करना है। रिन्यूअल का बंदोबस्त कोई दिक्कत नहीं है, रिन्यूअल का कोई मेरिट लिस्ट में इतना चक्कर नहीं पड़ता है, फ्रेश वालों का मेन है, चाहे वो सेंटर सेक्ट स्कीम के भर रहे हैं, चाहे वो एनएसपी स्कॉलरशिप भर रहे हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स भर रहे हैं, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया आपका? तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं इसी प्रकार से गवर्नमेंट रिलेटेड, स्कॉलरशिप रिलेटेड और करियर से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ, वीडियोज बनाता रहता हूँ, जिससे आपको मोटिवेट कर सकूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनाया जाके बनवा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।